पीएफआई बैन के खिलाफ या समर्थन में है मायावती, आखिर कहना क्या चाहती हैं, आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों नहीं, समझिए पूरी सियासत। देश में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। बीजेपी से लेकर कई प्रदेशों की सरकारों के मुख्यमंत्री केंद्र के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। वहीं विपक्ष केंद्र को घेरने की कोशिश में है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय स्वयं संघ पर भी बैन लगाने की मांग कर डाली है। आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी यह मांग उठी है। इस पूरे मसले पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती का अहम बयान आया है। मायावती ने अपने ट्वीट में यह तो साफ नहीं किया है कि वह खुद पीएफआई पर बैन लगाने के समर्थन में या खिलाफ में, लेकिन वह यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की विपक्षी पार्टियां विरोध क्यों कर रही हैं और क्यों आरएसएस पर बैन की मांग हो रही है। लेकिन मायावती के इस ट्वीट में सियासत भी छिपी है। आइए समझते हैं पूरा मामला। आमतौर पर तमाम मुद्दों पर साधा हुआ बयान देने वाली मायावती ने अपना यह अंदाज पीएफआई के मुद्दे पर भी बरकरार रखा है। मायावती ने ट्वीट किया है, केंद्र द्वारा पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया प्रदेश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अनंतनाग विधानसभा चुनाव से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टिकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम बेचैनी ज़्यादा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियाँ सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए।